तो दोस्तों 2020 मैचेस तो आप लोग देखते ही होंगे जी। दोस्तों फिलहाल आईपीएल चल रहा है और आने वाले समय में 2020 मैचेस का एक बहुत ही बड़ी सीरीज भी आने वाली है, तो 2020 मैचेस आप देख ही रहे हो। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं आपको ड्रीम इलेवन के जैसा कोई एक और एप्लीकेशन बताए जो ड्रीम इलेवन से भी बेहतर हो और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिले। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको विजन इलेवन के बारे में बताया गया है, जिसमें आप जो है ड्रीम इलेवन की तरह ही टीम लगा सकते हो और ड्रीम इलेवन की तरह ही जो है मैचेस खेल सकते हो और काफ़ी सारे पैसे जो है जीत सकते हो इससे, अगर आपका अनुमान सही हो तो। किस प्रकार आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है आगे पीयूष शुक्ला जी आपको बताएंगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए। 258% लोग, जी हाँ दोस्तों, अब तो 58% लोग जो है चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो नीचे जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा, जैसे आप सब्सक्राइब पर हिट करोगे नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा, उस पर आपको ऑल पे सेट कर लेना है। और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना है, शेयरिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, शेयरिंग नहीं करते आप वीडियो, तो सभी के साथ वीडियोस को शेयर करना है। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन का नाम है विजन 11। यह एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको रेफरल कोड मिलेगा, आप उसका इस्तेमाल करके 300 रुपये का बोनस पा सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप फैंटेसी खेलने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपने ड्रीम इलेवन का नाम सुना होगा, एमपीएल का नाम सुना होगा, उसी की तरह यह एप्लीकेशन है। लेकिन यह एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा विकल्प हमें उपलब्ध करवाती है जीतने के लिए, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विकल्प हैं, मैं उन सभी के बारे में बात करूंगा। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी करती है। और रेफरल कोड यूज़ करने के बाद टीम नेम भी आपको डाल लेना है, और फिर एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे, मैं आपको टॉकबैक के साथ भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं खुद से बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉकबैक को चालू कर दूंगा तो फिर वो बार बार बोलता रहेगा, जिससे कि बताने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। तो फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, और फिर प्रोफाइल का विकल्प मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कई सारे विकल्प मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट लाइव। क्रिकेट तो आप समझ ही गए होंगे, अब बात कर लेते हैं लाइव की। लाइव में आप लाइव फैंटेसी खेल सकते हैं, और इसके अलावा सेकेंड इनिंग भी खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब आपकी जिस भी स्पोर्ट्स में रुचि है आप वो विकल्प का चयन करके खेल सकते हैं। आगे स्वाइप करेंगे तो आपको एक विकल्प मिल जाता है माय मैचेस। माय मैचेस में व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले मैचेस यानी कि अपकमिंग में वो मैचेस शो करेगा माय मैचेस में जा करके, जो जिनकी आपने टीम बना करके रखी होगी और जिनका आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया हुआ होगा। उसके बाद आ जाता है रिसेंट, यानी कि जो आपने प्ले किए हुए होंगे, मतलब वो मैच ख़त्म हो चुके होंगे,
वो। फिर आ जाता है लाइव। लाइव में आप ये देख सकते हैं जो भी करंट मैच चल रहा है उसकी रैंक वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई क्रिकेट की बात। तो फ्रेंड्स, अब मैं टॉकबैक को चालू करता हूँ और आपको एक एक विकल्प के बारे में और भी अच्छे से समझाता हूँ। Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad, SRH. Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad, SRH. 06 hours 59 m, Rajasthan Royals, Railroad, one team, one contest, and major. 06 hours 59 m. Indian Premier League 2021, Royal Challengers, showing item 15 of 15. Station 11, button. तो फ्रेंड्स, इसने जैसा कि बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग है ना, और एक टीम है और एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है, ये उसने सारी चीजें बता दी है। तो चलिए उसी पर क्लिक कर देते हैं। ये जो 400 बोल रहा था, ये मेरा बैलेंस बोल रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज को समझ लेना जरूरी है कि फुल मैच क्या होता है, बैटिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, है ना, या फिर रिवर्स क्या होता है। ये चार टैब यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फुल मैच की बात कर लेते हैं। फुल मैच वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे जो लोग क्रिकेट देखते हैं कि जो पूरा मैच होता है, मान लीजिए 2020 हो रहा है तो 20 इधर से 20 उधर से, तो फुल मैच में हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है जिसमें हमको 100 क्रेडिट मिल जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। मिनिमम 4 प्लेयर एक टीम से हम ले सकते हैं और मैक्सिमम 7 प्लेयर एक टीम से ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा विकल्प दिया हुआ होता है। इसके अलावा 4 टैप फिर मिल जाते हैं जब हम क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे। एक होता है विकेट कीपर, फिर बैट्समैन, फिर ऑलराउंडर और फिर बॉलर। तो विकेट कीपर में मिनिमम एक, मैक्सिमम 4 विकेट कीपर ले सकते हैं, और बैट्समैन में मिनिमम 3, मैक्सिमम 6, ऑलराउंडर में मिनिमम 1, मैक्सिमम 4, और बॉलर्स में मिनिमम 3, मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, लेकिन हमें रखने टोटल 11 प्लेयर ही हैं। अब आप कैसे बनाएंगे वो आपकी क्या बोलते हैं कि नॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा। आपके पास कितनी समझ है, आप उस हिसाब से अपनी टीम बनाइए। चलिए, ये तो हो गई बात। अब बात कर लेते हैं बैटिंग टैप की। फ्रेंड्स, बैटिंग टैप में ये होता है, इसमें आपको 45 क्रेडिट मिलते हैं और इसमें आपको केवल बल्लेबाजों का ही चयन करना होता है। कुल बल्लेबाज आप लेंगे 5 और कुल बल्लेबाज आपको लेने हैं 5। इसके अलावा एक टीम से मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। फ्रेंड्स, बॉलिंग का भी सेम यही है। 45 क्रेडिट मिलेंगे, 5 गेंदबाज आपको लेने हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, एक टीम से अलाउ हैं। फ्रेंड्स, रिवर्स फैंटेसी ये बहुत ही अच्छा विकल्प है और ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनको फैंटेसी की नॉलेज नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ, या जिनको समझ लीजिए कि क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो इसको खेल सकते हैं और इसमें आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब हो जाता है जो कि हमने फुल मैच देखा। फुल मैच में क्या होता है कि हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है और ऐसे प्लेयर चूज करने होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे मैदान पर, मतलब जो हमें लगता है कि ये मैदान पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनका हमें चयन करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें ऐसा करना होगा, उन प्लेयर्स का चयन करना होगा जो हमें लगता है कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे या लगता है कि इसकी 0 लगने वाली है, तो ऐसे प्लेयर्स का यहाँ पर चयन करना होगा। मतलब बिल्कुल उल्टा है, मतलब यहाँ पर आपको एकदम खराब खराब प्लेयर्स लेने हैं क्योंकि जितने कम आपके पॉइंट उतनी ही अच्छी आपकी विनिंग, यहाँ पर ये चीज़ है। अब आप खुद ही समझ लीजिए,
ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें भी फुल मैच की तरह ही बनाने का सिस्टम है। 11 प्लेयर्स का चयन करना होगा, एक टीम से मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, 1 से 4 के बीच में विकेट कीपर, 3 से 6 के बीच में बैट्समैन, 1 से 4 के बीच में ऑलराउंडर और 3 से 6 के बीच में गेंदबाज हमें लेने होंगे। फिर वही कप्तान और वाइस कप्तान हमें चूज करना होगा। तो लेकिन वहाँ पर हमें अच्छा कैप्टन चूज करना होता था, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कैप्टन चूज करना है जो कि एकदम खराब हो, जिसकी लगता है कि ना तो बैटिंग आएगी ना बॉलिंग आएगी, ऐसा लेना चाहिए। तो ये हो जाती है रिवर्स फैंटेसी। अब बात कर लेते हैं कि आपने हम टीम कैसे बनाए। फ्रेंड्स, टीम बनाने के लिए आपको एक्सप्लोर बाई टच की मदद से या फिर आप स्वाइप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो आप चाहें तो एक्सप्लोर बाई टच की मदद से नीचे की तरफ आएंगे। Selected, contest, tap, one of three, enlist, three items. यह कॉन्टेस्ट का विकल्प है। My contest, one, tap, two of three. My contest. Double tap to activate. फ्रेंड्स, माय कॉन्टेस्ट का मतलब हो जाता है आपने जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हुए होंगे वो आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं। My teams, one, tap, three of three. आप यहां पर जितनी भी टीम्स बनाएंगे वो आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब क्रिएट करने की बात आती है, या तो आप यहां पर भी टाइप करके जा सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर दिखाता हूं। और फिर आपको नीचे की तरफ आना है। अब ये जैसा बता रहा है, क्रिएट टीम टू, स्वाइप करेंगे। हाउ टू प्ले, अगर आपको जानना है, आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहां से भी जान सकते हैं, वही सेम चीज बताएंगे जो हमने आपको बताई है। 0 6 hours, 0 credits left, 100.0, 0 reload, lineup features for your convenience, please do research before creating team. इन्होंने बताया कि लाइनअप फीचर में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो सकती है, आप अच्छे से लाइनअप फीचर को देख सकते हैं, है ना, तब टीम क्रिएट कीजिए। Lineup feature is for your convenience. Please do do research before creating team. Lineup feature is for your convenience. Selected. WK. Tab. 1 of 4. Enlist. 4 items. इसने बताया ना कि टैब 1 of 4 मतलब 4 टैब हैं, तो पहला टैब है विकेट कीपर का। Bat. Tab. 2 of 4. Arkansas. Tab. All. Tab. Pick 1-4 wicket keeper out of list. तो ये भी बता रहा है कि pick 1-4 wicket keeper. 1 से 4 के बीच में हमें विकेट कीपर लेना है। Info selection button. Filter by teams. Double tap to activate. अगर आपको टीम वाई फिल्टर करना है, मतलब आपको पहले मान लीजिए कि हैदराबाद के लेने हैं फिर राजस्थान के लेने हैं, तो आप फिल्टर बाय टीम भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड बाय, डबल टैप टू एक्टिवेट। सिलेक्टेड बाय, पॉइंट्स, क्रेडिट्स, डबल टैप टू एक्टिवेट। यहां पर ये तीनों का ये मतलब है कि पहले नाम लेगा, फिर सिलेक्टेड बाय मतलब कितने लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद पॉइंट्स यानी कि उसने अभी तक कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं वो, और फिर उसके बाद क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसने बताया ए रावत यानी कि अनुज रावत सेल बाय 6.83% 32 और 8.0 यानी कि 6% लोगों ने, मान लीजिए 7% लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है और 32 पॉइंट है टोटल और 8 क्रेडिट है। Double tap to activate. यहाँ पर जाकर के आप इनकी और भी इन्फो ले सकते हैं, मतलब कितने पॉइंट कहाँ पर दिए है ना वो देख सकते हैं। Reload, S. Samson, sell by 90.00%, 573.0, 9.5, 204. तो Double tap to activate. संजू सैमसंग को अगर लेना है स्वाइप कर देंगे, फिर आपको एक बार स्क्रीन पर कहीं पर भी टच करना है और फिर स्वाइप करते हुए आना है। चलिए Double tap to activate. अब ये वृद्धिमान शाह, इनको भी हम लेंगे अपनी टीम में। तो चलिए ये दो हमने ले लिए, विकेट कीपर हमारे पास दो हो गए, अब हमें 9 प्लेयर लेने हैं। Bat, tap, 2-4, bat, selected. Bat. SRH, K. Williamson, sell by 73.51%, 223.0, 9.5, 1 of 17, enlist, 17 items. Double tap to activate. Friends, आप नाम सुनेंगे SRH या RR,
तो मतलब ये टीम के नाम बता रहा है कि मतलब किस टीम का प्लेयर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए केन विलियमसन को भी ले लेते हैं। महिपाल लोमोर, इनको हम ले लेंगे, राजस्थान से हैं। फिलहाल मैं जेसन रॉय को ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 11 प्लेयर ले लिए हैं टोटल, आपको दिखा देते हैं। Out of 06 hours. SRH 6. Credits left 4.5. 5. Railroad. हैदराबाद के मेरे पास 6 प्लेयर हैं। और राजस्थान के 5 प्लेयर हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रीव्यू टीम में आप पूरा पढ़ सकते हैं। टीम प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। 11. Wicketkeeper. S. Samson 9. W. Saha 8. Point. Batsman out of list. K. Williamson 9. M. Lomber 8. CR. J. Roy 8. Point. All rounders out. Asharma 8. CR. J. Holder 9. R. Tuasia 9. Bowlers out of list. K. Tayagi 8. T. Shamsi 8. Point. U. Malik 8. CR 3. Vision 11. Continue button. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू पे। Vision 11. Navigate up. Choose captain and vice captain. यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन। SRH. VS. Railroad. 06 hour. Capital C. Get 2x points. VC. Get 1.5x players points capital C VC wicketkeeper railroad WK SM if player but capital C double tap to activate कप्तान रखना है तो C पे क्लिक कर दीजिए। Wicketkeeper if player capital VC SRH if player button capital C VC और वृद्धिमान साह को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया है। C टीम पे क्लिक कर देते हैं। Created successfully vision 11 create team 3 button double tap to activate। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए कि आपने टीम क्रिएट कर दी, अब आपको अगर टीम एडिट करनी है तो आप इसी जगह पे रहेंगे और अपनी टीम चूज करेंगे। आपको टीम वन एडिट करनी है या टीम टू, चलिए वो भी दिखा देते हैं। Using auto TTS, double tap to activate. Edit. Team 1, SRH, 7, Railroad, 4, Capital C, S. Samson, VC, K. Williams, WK, 1, Bat, 5, Arkansas, 2, Bowl, 3. Double tap to activate. Edit. Team edit. फ्रेंड्स टीम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। Waddell. Double tap to activate. इस जगह पे जाके कॉपी करेंगे आप। तो कॉपी करने का ये फायदा रहता है, मान लीजिए आपने आपको एक ही प्लेयर चेंज करना है तो टीम कॉपी पे जाइए, मतलब क्लोन कीजिए और बस जो प्लेयर आपको हटाना है उसको हटा करके जिसे आप रखना है उसको रख दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी टीम का क्लोन बन जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाती है कॉपी और टीम एडिट करने का बाकी सब सेम ही आ जाता है। जैसे टीम एडिट करेंगे तो वैसे ही खुल के आ जाएगा जैसा पेज अभी खुल के आया था। तो फ्रेंड्स टीम एडिट की भी बात हो गई और कॉपी की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। आपने टीम बना ली, एडिट भी कर ली, टैब वन में जाना है कॉन्टेस्ट में। और फ्रेंड्स यहाँ पर मजे की एक बात यह भी है कि यहाँ पर आपको फ्री गिव अवे मिलता रहता है। इसमें अगर आप टॉप आते हैं तो आपको फ़ोन मिल सकता है, एलईडी टीवी मिल सकती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं, तो वो भी आप जीत सकते हैं। My contest, my teams. Navigate up. SRH, VS, real, zero, favorite, four, selected, batting, tap, bowling, reverse, prize pool, entry, 10,000, 25,733 spots left, 50,000 spots, 1,000, out of list. Double tap to activate. ये प्राइस पूल 10,000 इतने लोग हैं, मतलब यहाँ पे 50,000 लोग खेल सकते हैं और अभी 25,733 सीट लेफ्ट हैं, है ना, और 500 टीम्स विन करेंगी, 500 टीम विन बता रहा है 500 टीम विन। अब ये मुझे इनवाइट क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर रखा है, ये फ्री गिव अवे है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लीडर बोर्ड लीग है फ्रेंड्स, यह लीग बहुत ही अच्छी होती है। इसमें पूरे सीजन के बाद जो भी टॉप होंगे, जो भी प्राइस रखा होगा इन्होंने, उनको भी प्राइस मिलता है अलग से। Prize pool entry 100,000 1776 spots left 2500 spots 10,000 capital F 1 of 3 enlist 3 items 49 600 team win
टोटल 603 विन करेंगे, है ना। तो ये आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यही ज्वाइन करना है, 49 बता रहा है कि आप इस कॉन्टेस्ट में केवल 15 टीम तक ले जा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करनी है तो इस पे कर देंगे, नहीं करनी है तो छोड़ दीजिए। चेक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। Join button out of list. Join. Double tap. Confirmation. Okay, BTN. Double utilized balance plus winning equals 0. Entry fees. 49. Usable cash bonus. 0.0 to pay. 49.0. I joined this contest. You accept. Join this contest. अगर double tap to activate. अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो मैं कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ज्वाइन करने वाला हूं इसे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक और भी अच्छे विकल्प की। यहां पर आपको एक विकल्प मिल जाता है ऑल फिल्टर, देखिए। इस पे टाइप कीजिए। यहाँ पर फिल्टर का मतलब हो जाता है आपको किस हिसाब से कॉन्टेस्ट चाहिए, मतलब आपका क्या बजट है, कितने लोगों में खेलना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों का आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि 1 to 100 टैप किया, चेक हो गया। विनिंग्स, विनिंग्स कितनी चाहिए, चलिए चेक कर देते हैं। कंटेस्ट टाइप मल्टी एंट्री, मतलब आप एक दो, मतलब एक से ज्यादा टीमें ले जा सकते हैं। 100% बोनस, कंफर्म, तो मैं कंफर्म कर लेता हूं। कंटेस्ट साइज, मतलब दो मेंबर वाले चाहिए लोग, मतलब दो टीमें केवल खेल सके। 3 to 10 लोग चाहिए, 11 से 20 लोग चाहिए, 21 से 200 100 तक चाहिए। तो इसमें मैं चलिए 11 से 2 कर, मतलब 1 से 2 कर देता हूँ, 2 मेंबर। तो फिलहाल ऐसा तो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा तो कोई कॉन्टेस्ट शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई टीम बनाने से लेकर के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की बात। अब बात करते हैं और भी ऑप्शंस की। फ्रेंड्स लाइव, इस ऑप्शन को समझना, एक मिनट मैं टॉकबैक को बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स लाइव ऑप्शन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए लाइव आप तभी खेलिए जब आपको हर एक चीज़ की अच्छी नॉलेज हो, है ना। इसमें दो विकल्प मिलते हैं, एक तो सेकंड इनिंग, क्योंकि अभी लाइव में कोई है ही नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा है ना। इसमें आपको मिलेगा एक तो सेकंड इनिंग, यानी कि जो बाद में बैटिंग करने आती है उसकी। सेकंड इनिंग में भी आपको 11 प्लेयर लेने हैं, है ना, जो आपको लगता है सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस करेंगे वो। और एक होता है चार चार पाँच पाँच ओवर का लाइव मैच, मतलब लाइव जो चल रहा है मैच वो आपको टीवी पे देखते रहना है, और यहाँ पर आपको टीम बना लेनी है आकर के। मान लीजिए कि 1 to 5 ओवर के बीच में मैच हो रहा है और आपको लगता है कि इसमें आपको 5 प्लेयर ही चूज़ करने होंगे, 45 क्रेडिट्स मिलेंगे उसी तरीके से। और जो लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस इन 5 ओवर में देंगे वो 5 प्लेयर, आपको वो चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाती है लाइव फैंटेसी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आप पैसा जीतते हैं तो उसे उस तरीके से अपने मेन एविडर पे जाएंगे आप।
400 रुपए बैलेंस है। Total balance. Add cash button. Add cash करना है यहाँ से कीजिए। Refer and earn. You will get 100. Friends, refer and earn बहुत अच्छा विकल्प है और ये इतना अच्छा है कि इसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए। रिफर एंड अर्न, मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त को रिफर किया, आप उसने आपका कोड यूज़ किया, उसको 300 रुपये मिले, आपको 100 रुपये बोनस मिला, ठीक है। इसके अलावा जब भी वो कोई भी कॉन्टेस्ट खेलेगा, पेड कॉन्टेस्ट, तो वहाँ पर जो भी उसकी कमाई होगी, इनकम होगी, जितनी भी एंट्री फीस देगा वो, उसका 20% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा फ्रेंड्स, लाइफ टाइम। तो इससे, और वो भी आपके विनिंग अमाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसका आपको ये फ़ायदा है कि मान लीजिए कि कल को अगर आप इसमें खेलना बंद भी कर देते हैं तो आप, लेकिन कई सारे लोगों को खेलने के लिए बताइए और वो खेलते रहते हैं, तो आपको उसका भी प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो यहाँ से लीडर बोर्ड, वही फ्रेंड्स जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वेरीफाई अकाउंट पे आप जाएंगे। फ्रेंड्स, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करा देना है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ मेरा वेरीफाई है कि नहीं। Add card, tab, two of two. और यहाँ से आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करा देना है। पैन कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई, नेम सेम अस पैन कार्ड, एडिट बॉक्स, पैन नंबर, एडिट बॉक्स, कंफर्म पैन नंबर, एडिट बॉक्स, अपलोड पैन कार्ड इमेज, डबल टैप टू एक्टिव, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन बटन। आपको इतना सा काम करना है, नाम डालना है, पैन कार्ड अकाउंट नंबर डालना है और फिर कंफर्म कर देना है और फोटो पैन कार्ड की यहां पर अपलोड कर देनी है और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आप पैसा विड्रॉ। तो फ्रेंड्स, फिर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो ऐसा लिखा आएगा, तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो रखा है। तो ये चीज है, तो आप इस तरीके से यहाँ से वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये सारी चीजें तो मैंने आपको लगभग बता ही दी हैं। अब आपको मैच खेलने से पहले पॉइंट्स टेबल एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। मोर में जाएंगे, फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में आप जाएंगे और यहाँ से आप पॉइंट सिस्टम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में।